भारतीय वैज्ञानिकों ने बताया कुंडली में चांद देखने वाला देश चांद पर तिरंगा भी फहरा सकता है। सुनिए आखिर 15 मिनट का किस्सा। कोई कान में फोन सटाए हुए था, कोई कंप्यूटर पर अपडेट देख रहा था, जब लॉन्च हो रहा था चंद्रयान 3, ऐसा था इसरो के अंदर का माहौल। साउथ अफ्रीका से वर्चुअली जुड़े थे पीएम मोदी। इसरो चीफ एस सोमनाथ बता रहे थे उन्हें एक एक बात, धरती से हुआ पूरा कंट्रोल। चंदा मामा दूर के नहीं, बल्कि कहिए चंदा मामा अपने घर के। जिस घड़ी का इंतजार पूरी दुनिया को था, उसे भारत ने कर दिखाया। चंद्रयान 3 पर हमने सफलता पूर्वक लैंड कर लिया है, जिसके बाद विदेश से ही पीएम मोदी ने वर्चुअली इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा, आज जीवन धन्य हो गया, दुनिया भर से भारत को बधाई मिल रही है। लेकिन इसी के साथ हम आपको उस इसरो के सेंटर में लिए चलते हैं और बताते हैं वहाँ के आखिरी के 50 मिनट में कैसा माहौल था। ये इसरो की तस्वीर है। कोई कान में फोन सटाए हुए अपडेट बता रहा था, कोई कंप्यूटर पर अपडेट देख रहा था। बार बार इसरो के वैज्ञानिक अपने सामने लगे 7 स्क्रीन को देख रहे थे। हर वैज्ञानिक बस सपने को साकार होता हुआ देखना चाहता था। आंखों पर चश्मा लगाए अपने कंप्यूटर में खोए वैज्ञानिक लगातार डेटा अपडेट करने में लगे थे। जैसे ही चंद्रयान 3 ने मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में मैसेज भेजा, मैं लैंड कर रहा हूँ, वैज्ञानिकों ने तुरंत अपने कंप्यूटर से यह मैसेज भेजा, गो ऑन। यहाँ पर इसरो ने दो तरह का प्लान तैयार किया था। पहला, अगर सब कुछ ठीक रहा तो लैंडर को मैसेज भेजा जाएगा, गो ऑन। अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो नो गो का मैसेज देना होगा। लेकिन सब कुछ उम्मीद के मुताबिक रहा और जैसे ही 23 अगस्त की शाम 5:45 का समय हुआ, लैंडर चंद्रमा से सिर्फ 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर अपनी गति लगातार घटाने लगा ताकि आराम से चंद्रमा की उबड़ खाबड़ धरती पर लैंड कर सके। पिछली बार चंद्रयान 2 के वक्त या फिर लूना 25 मिशन में वैज्ञानिकों से यही गलती हुई थी। उन्होंने लैंडर को सॉफ्ट लैंड नहीं करवाया था, जिसके कारण ही वो क्रैश हो गया था। लेकिन आज हमने ये करके इतिहास रच दिया है। खासकर आखिरी के 15 मिनट में लैंडर ने जो कमाल किया, उसे पूरी दुनिया सदियों तक याद रखेगी। आप भी समझ लीजिए कि चांद पर उन आखिरी 15 मिनट में क्या हुआ, जिसके बाद से हर हिंदुस्तानी कहेगा, चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा पास के, पुआ पकावे गुड़ के नहीं। भारतीय वैज्ञानिकों के हौसले को सलाम करें मुस्कान से। तो आइए आपको भी समझाते हैं कि चंद्रमा पर कैसे 4 स्टेज पार कर हमने चांद के हर कदम पर तिरंगे और इसरो की सुनहरी छाप छोड़ दी है। सबसे पहला स्टेज था रफ ब्रेकिंग। ये प्रक्रिया करीब 11 से 12 मिनट की रही, जिसमें लैंडर जो चंद्रमा से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, उसने अपनी दूरी घटाकर 7.42 किलोमीटर कर ली और 6000 मीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने लगा। इसके बाद शुरू हुई 10 सेकंड की अगली प्रक्रिया, दूसरा स्टेज एल्टीट्यूड होल्डिंग। ये प्रक्रिया करीब 10 सेकंड की रही, जिसमें लैंडर का एंगल थोड़ा चेंज हुआ। अब लैंडर चांद से सिर्फ 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर था और 336 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलने लगा। और अब चांद की ओर नजदीक जाने का वक्त था, जिसकी प्रक्रिया सेकंडों में पूरी हुई। तीसरा स्टेज था स्मूथ ब्रेकिंग। ये प्रक्रिया भी कुछ सेकंडों में ही पूरी हो गई और इसके बाद चंद्रमा की सतह से लैंडर सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था। चांद और इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत के बीच सिर्फ 1000 मीटर की दूरी बची थी और ये दूरी चौथे स्टेज में पूरी हुई। चौथा स्टेज था टर्मिनल डिटेक्शन। लैंडर धीरे धीरे चांद के नजदीक बढ़ता गया, पहले 800, फिर 700, फिर आखिर में 50 मीटर की दूरी के बाद लैंडर ने अपनी गति कम की और हमने आहिस्ता आहिस्ता चांद पर कदम रखा। और इसी कदम के साथ हमने ये इतिहास रच दिया जो दुनिया में अब तक कोई नहीं कर पाया। लेकिन इसकी सफलता से पहले इसरो के अंदर और बाहर भी कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, जिनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उनकी चिंता बस यही थी कि चंद्रयान 2 की तरह हाल ना हो। मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, इसरो के पूर्व चीफ के सिवन समेत कई दिग्गज बैठे हुए थे, जबकि ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने साउथ अफ्रीका पहुंचे पीएम मोदी वर्चुअली जुड़कर लैंडिंग के बाद देश को संबोधित किया। अब हिंदुस्तान दुनिया को चांद पर एक अलग राह दिखाएगा, जो ये बताता है कि हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में दुनिया के गुरु बन चुके हैं। आप इस सफलता पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर लिखें।